सिनेमा शो में आज बात रणबीर कपूर की एनिमल की, बताएंगे डंकी का मतलब शाहरुख खान ने क्या बताया, कॉफी विद करण के अगले एपिसोड में कौन से सेलेब्स आएंगे और शाहरुख, अजय, अक्षय को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस क्यों भेजा गया। मगर आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमने पिछले हफ्ते रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम का रिव्यू किया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते का मेरा नाम है कैलेंडर भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर अप हो चुका है, उसे भी देखते चलेगा। आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक थिएटर्स के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, इसे 22 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने दूसरे संडे को इंडिया में 37.31 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इंडिया में इसका कुल कलेक्शन 432.91 करोड़ रुपए हो गया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 में उनके अपोजिट सारा अली खान के होने की खबरें आ रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। अनन्या पांडे, आदर्श गौरव और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म खो गए हम कहां का ट्रेलर आ गया है। कहानी तीन दोस्तों और उनके रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, ब्रेकअप्स और करियर के आसपास घूमती है। अर्जुन सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 26 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आई द आर्चीज से अगस्त नंदा ने डेब्यू किया है। वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं। उनकी फिल्म देखकर ऐश्वर्या राय ने कहा पिक्चर बहुत अच्छी है। अभिषेक बच्चन ने कहा कि ये फिल्म उन्हें पुराने समय में ले गई। कटरीना कैफ और करण जौहर ने जोया अख्तर के डायरेक्शन की तारीफ की। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऋचा चड्ढा और अली फजल के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स को दिखाया जाएगा। इसे वर्ल्ड ड्रामेटिक फीचर कैटेगरी के अंडर दिखाया जाएगा। द आर्चीज की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर अगस्त्य और खुशी सुहाना कपूर की एक्टिंग को लेकर कई वीडियोस चल रहे हैं, जिसमें उनका मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक वीडियो को रवीना टंडन ने गलती से लाइक कर दिया, जिसके बाद रवीना की ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब इसके जवाब में रवीना ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उनकी एक छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पान मसाला वाली कंपनी के लिए किए गए ऐड को लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ये स्टार्स अपने विज्ञापन से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2024 को होनी है। समांथा प्रभु ने अपने प्रोडक्शन हाउस की अनाउंसमेंट की है, जिसका नाम है ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स। फिलहाल प्रोडक्शन हाउस ने अपने किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है। समांथा ने बताया कि इस बैनर तले वो न्यू एज की स्टोरीज को लोगों के सामने लाएंगी। विद्युत जामवाल, नोरा फतेही और अर्जुन रामपाल की फिल्म क्रैक की रिलीज डेट आ गई। इसे 23 फरवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। पृथ्वीराज सुकुमारन ने पोस्ट करके बताया कि उन्होंने सलार पार्ट 1 की डबिंग पूरी कर ली है। उन्होंने फिल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी और मलयालम 5 भाषाओं में डब किया है। फिल्म 22 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। शाहरुख खान ने डंकी के ड्रॉप 5 की अनाउंसमेंट की है। डंकी के नए गाने ओ माही का टीजर शेयर करते हुए शाहरुख ने डंकी का मतलब बताया। लिखा, सब पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ, डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना और जब अपने पास हो तो बस लगता है कयामत तक उनके साथ ही रहें। डंकी के ड्रॉप 5 में प्रमोशनल वीडियो शेयर किया जाएगा। फिल्म 21 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। डंकी की एडवांस बुकिंग यूएसए की कुछ लोकेशंस पर शुरू हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए में डंकी के करीब 915 शोज के लिए टिकट बिकनी शुरू हो चुकी है। इसकी अब तक कुल 5400 टिकटें बिक चुकी हैं। इंडिया में फिलहाल डंकी की एडवांस बुकिंग चालू नहीं हुई है। कॉफी विद करण के अगले एपिसोड में अर्जुन कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर नजर आएंगे, जिसमें दोनों स्टार्स अपनी लव लाइफ पर बात करेंगे। ये एपिसोड 14 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियर किया जाएगा। तो बस ये थी आज की बड़ी खबरें। जाते जाते एक ट्रिविया सुनाए जाते हैं। रणबीर की एनिमल जब आने वाली थी तो लोगों ने कहा कि रिपोर्ट्स चली कि इसमें 2 इंटरवल्स होंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणबीर के दादा राज कपूर की 2 फिल्मों में 2 इंटरवल हुए थे। ये दोनों फिल्में थी संगम और मेरा नाम है जोकर। संगम का रन टाइम था 3 घंटे 58 मिनट और मेरा नाम है जोकर का रन टाइम था 4 घंटे 15 मिनट, मतलब ये 4 घंटे 15 मिनट लंबी फिल्म थी। उस वक्त लोगों के पास OTT का ऑप्शन नहीं था, इसलिए थिएटर में आने वाली जनता को फिल्म के बीच 2 बार ब्रेक दिया जाता था। आपको ये दोनों फिल्में कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।